नमस्कार मेरे प्यारे रुड़की वासियों। दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ बीटीगंज में। बीटीगंज में जो नया पुल बना है इस पर आप देख सकते हैं हम यहाँ पर हैं, क्यों हैं यह भी बताएंगे। अब बात कर लेते हैं उस विषय की जिस बारे में हम यहाँ पर आपको लेकर आए हैं। हम जानते हैं कि चर्चाओं का विषय बना हुआ है व्यापार मंडल। दो व्यापार मंडल हैं आपको ये भी पता है। अब कहीं जाकर तीसरा व्यापार मंडल आपको मिलने वाला है। और तीसरे व्यापार मंडल की जरूरत क्यों पड़ी, क्या व्यापारी नाराज थे या व्यापारियों में समन्वय नहीं हो रहा था तो तीसरा व्यापार मंडल अब बन गया है। आइए जानेंगे कि उनके अध्यक्ष कौन हैं और किन मुद्दों को लेकर वे व्यापार मंडल अपना गठित कर रहे हैं और वे व्यापारियों के लिए क्या क्या कार्य करने वाले हैं। चलिए हम पहुँच चुके हैं मेन बाजार में और आपको बता दें कि यह जो प्रतिष्ठान है बेबी नीड्स, प्रभजोत सिंह नामधारी जी हैं जिन्होंने इसका गठन किया है, जो व्यापार मंडल है। जानेंगे कि इनका व्यापार मंडल उन दो व्यापार मंडल से अलग कैसे है और ये भी जानेंगे इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी व्यापार मंडल अलग बनाने की। तो आपका स्वागत है, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ रुड़की। अब मैं आप अध्यक्ष हैं जो आपने मेन बाजार व्यापार मंडल बनाया है, तो आपने ये बनाया ही क्यों और क्या ज़रूरत पड़ी आपको ये बनाने की? पहले तो रुड़की हब का धन्यवाद, उन्होंने हमें मौका दिया अपनी बात रखने का। सर्वप्रथम मैं आपको बताऊं कि हमारा एक अनौपचारिक रूप से व्यापार मंडल पिछले 30 वर्षों से बना हुआ था, जिसके अध्यक्ष जो आज के हमारे संरक्षक चेयरमैन हैं श्री सतपाल अरोड़ा जी थे। 24 जुलाई को हमने एक मीटिंग गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा बीटीगंज में बुलाई, जिसमें हमने औपचारिक रूप से इस व्यापार मंडल का गठन किया। तो आपको बनाने की क्यों जरूरत पड़ी इस व्यापार मंडल को? दो व्यापार मंडल तो पहले से ही यहाँ पर मौजूद हैं, उसके प्रकाश डालिए थोड़ा। ये मेन बाजार जो हमारा बाजार है ये आज़ादी से पुराना बाजार जी। हमारा दोनों व्यापार मंडलों में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है जी। बाजार में पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे, अब एकल परिवार है जी। दुकानों पे एक एक आदमी है, उनको अपनी बात अपनी समस्याएं पहुंचाने के लिए एक संगठन की एक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता होती है। उस आवश्यकता को देखते हुए इस व्यापार मंडल का गठन किया गया कि हम इस इकाई के माध्यम से अपनी बात, व्यापारियों की बात, व्यापारियों की समस्याएं अपने जन प्रतिनिधियों तक पहुँचा सकें। आपका व्यापार मंडल जो यहाँ पर व्यापारी हैं मेन बाजार में कैसे काम करेगा? उनके जैसे यहाँ पर सड़क की व्यवस्था नहीं है सही से, किन व्यवस्थाओं को लेकर आप व्यापार मंडल अपना बनाया है और क्या आप उनको सही कर पाएंगे? हमारी बहुत सारी समस्याएं हैं जी, जैसे कि हमारी सड़क का लेवल काफ़ी ऊपर हो चुका है और हमारी दुकानों का लेवल नीचे जा चुका है। हमने अपने जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया है कि इस सड़क को उखाड़ कर दोबारा से इसका निर्माण किया जाए जी। और हमारे यहाँ पथ प्रकाश की व्यवस्था की समस्या है, हमारे यहाँ शौचालय बहुत जीर्ण शीर्ण हालात में है, हमारे यहाँ जाम की समस्या रहती है, चार पहिया वाहन की समस्या रहती है और भी अनेकों समस्याएं जो समय समय पर सामने आती रहती हैं। हमारे यहाँ ठंडे पानी की व्यवस्था नहीं है। हमने अपने जनप्रतिनिधियों को अपनी बात पहुँचाई है और हमें अपने जनप्रतिनिधियों ने पूरा आश्वासन दिया है कि बड़ी जल्दी इन समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। अतुल जी ये जानना चाहूँगा कि जो दो व्यापार मंडल पहले से यहाँ बने हुए हैं उन्होंने क्या ये कार्य नहीं किए? ये तो सर्वविदित है, वो सब लोग अपनी तरफ से अपना श्रेष्ठ कर रहे हैं जी। हम लोग भी एक प्रयास कर रहे हैं कि हम इस क्षेत्र में अपनी जो समस्याएं हैं, अपने व्यापारिक जो समस्याएं हैं उनको अपने जनप्रतिनिधियों तक पहुंचा सकें और इस जो हमारी समस्याएं हैं उनका समाधान करा सकें। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, जो दो व्यापार मंडल पहले से यहाँ पर मौजूद हैं शायद वे व्यापारियों के बीच में समन्वय नहीं बना पाए हैं, इसीलिए तीसरे व्यापार मंडल की यहाँ पर ज़रूरत पड़ी है। यहाँ पर पदाधिकारी भी बैठे हैं जो नया व्यापार मंडल बना है, उनसे बात करते हैं कि उनका क्या मानना है, जो दो व्यापार मंडल पहले से हैं उनके बारे में वो क्या कहना चाहते हैं और क्यों ये गठन करना पड़ा जी, आप बताएं। सबसे बड़ी बात है कि हमारी बात वहाँ तक। नाम? मनोज वाधवा। आप पे क्या पद है? एडवाइजर। ठीक है, तो एक्चुअली अब शहर जैसे शहर बड़ा हो रहा है, व्यापार भी उसी हिसाब से, दुकानें और जितना कार्य बढ़ता जा रहा है, लेकिन वही बात है कि जो
पहले व्यापार मंडल दो हैं, वहाँ तक हमारी बहुत नहीं पहुँच पाती बात, तो इसलिए ये तय हुआ कि हम बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करें छोटे से, और धीरे धीरे नहर किनारा बीटीगंज ये सब करते करते, चीज़ तो सारी एक ही है, सबका उद्देश्य एक ही है व्यापार को संगठित करना, तो इसलिए ज़रूरत महसूस हुई कि हम लोग डिस्कार्टेड हो रहे थे उस जगह, हमारी नहीं सुनवाई हो पा रही थी, आपकी सुनवाई नहीं हो पा रही, तो उसी वजह से हम लोगों ने धीरे 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 पहले 10 लोग मिले, फिर 20 लोग मिले, फिर नहर किनारा मिल गया, बीटिंगन मिलते 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 आज हम 100 कितने 200 सदस्य बन चुके हैं पिछले एक माह के प्रयास में। 200 सदस्य आपके बन चुके हैं, आपसे बात करूं सेट्टी जी, आप बताएं कि आप क्या कहना चाहते हैं। हम लोगों के बाजार में छोटी बड़ी परेशानियाँ से हम लोग फेस करते आ रहे हैं, जैसे अभी आप जो अध्यक्ष जी ने बताया सामने दुकान देखें आप, वो दुकान सड़क से 1.5 फीट नीचे जा चुकी है, बरसात का पानी आते ही वहाँ नुकसान हो रहा है, और शौचालयों की स्थिति ख़राब है, पीने का पानी सिर्फ आज तक भी हमारे यहाँ नलका चल रहा है, वाटर कूलर की सुविधा अब तक हम लोग नहीं ले सके, स्ट्रीट लाइट की संख्या कम है, रोशनी शाम को बिल्कुल बंद हो जाता है, तो छोटी छोटी दिक्कतें हैं जिनका शिकायत कर निगम से हमें सपोर्ट मिलता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति ऐसा संगठन चाहिए जो वहाँ तक शिकायत पहुँचा सके, तो हम लोगों की वही कोशिश है कि हम लोग अपनी परेशानियाँ वहाँ तक पहुँचाएँ और उसका समाधान हो। मेन बाजार व्यापार मंडल में आप पे कौन सा पद है? मुझे यहाँ महामंत्री का पद मिला है। आप महामंत्री बन, ठीक है, आपको कुछ कहना चाहेंगे इस विषय में, जो आप दो व्यापार मंडल है उससे जो आपका व्यापार मंडल है किस तरह भिन्न है? हम लोगों का भिन्न इस तरह है, अभी हम लोगों ने नया व्यापार मंडल घोषित किया और अब हम लोग इसमें प्रयास कर रहे हैं कि हम लोगों के आसपास के दुकानों का जो समस्या है उसका समाधान हम लोग नगर निगम और विधायक जी से मुलाकात करके इस समस्या को समाधान करा करेंगे। बाकी वो लोग अभी तक के व्यापार मंडल वाले लोग हम लोगों के बाजार में आके इन्होंने कोई कार्य कराया नहीं और हम लोगों को ध्यान देते नहीं है। तो हम बात कर लेते हैं भाव जी, यहाँ पर बड़े भी बैठे हैं, उनसे भी बात करनी जरूरी है, और आपका क्या मानना है? हमारा मानना यह है कि हालांकि हमें परेशानी उनसे भी और संगठन उनसे भी कोई नहीं, लेकिन हमारे जो वहाँ तक बात नहीं पहुँच पा रही, अभी वहाँ तक बात नहीं पहुँच पाती, इसलिए मतलब ये है कि अपना व्यापार बनाया, और हमने उस दिन गौरव गोयल जी के पास भी गए, उन्हें अपनी बात रखी हमने, तो उम्मीद है वो इस हमारी प्रॉब्लम को समझेंगे, और ये वैसे तो सब नॉर्मल है, जो जो चीज़ की परेशानी है उन्हें अवगत करा दिया गया। तो समस्याएँ क्या क्या हैं आप प्रमुखता से बताएं? हम यहाँ पे बेसिकली निष्काम काम करना चाहते हैं, ये पूरा परिवार है हमारा, बाजार पूरा परिवार है, इसमें हमारा बीटीगंज नहर किनारा सब जितने भी लोग हैं सब एक साथ होकर इस बाजार को चमकाना चाहते हैं, यहाँ की फुटफॉल बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ जो है फुटफॉल भी नहीं है, कम हो गई है फुटफॉल बहुत। दूसरी बात है कि ये चार पहिया वाहन जो है वो यहाँ पर बंद होने, यहाँ पे हम लोग नहीं जाते क्योंकि यहाँ पे रोज़ एक्सीडेंट हो रहा है, कुछ ना कुछ चलता रहता है यहाँ पे, तो हम लोग ये चाहते हैं कि सब संगठन मिलके एक अच्छा काम करें अपने बाजार के लिए, पूरे समाज के लिए, बढ़िया बढ़िया साबित हो। आप क्या पद है? मेरे पास सह सचिव का पद है, सह सचिव के लिए। आप कुछ कहना चाहते हैं? सर हम यही चाहते हैं कि बाजार की जो समस्या, मनप्रीत सिंह संगठन मंत्री, हमारा यही मेन मोटिव है इस बाजार को अपना मेन नए रूप से चमकाएं, हमारी जो भी मेन प्रॉब्लम्स हैं वो पहुँच नहीं पाती है हमारे जनप्रतिनिधियों के पास, तो मैं अध्यक्ष जी से पूर्ण सहमत हूँ, जो इन्होंने कहा वही हमारे बयान। तो दोस्तों इसीलिए नया व्यापार मंडल बनाने की ज़रूरत पड़ी, और इसी बीच में हम इनसे ही बात करेंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं अपने नए व्यापार मंडल के बारे में। जी भैया, मेरा नाम लखबीर सिंह है, मैं कोषाध्यक्ष के उस पर हूँ। हमारे बाजार में कई छोटी छोटी ऐसी समस्याएं हैं जिनको हम उनसे भी नहीं करवा सकते प्रतिनिधियों से, जो हमें खुद हल करना पड़ेगा उसको, हमें खुद जैसे नलका ठीक करवाना, अब उसमें 400-500 रुपए का खर्चा, उसके लिए हम विधायक जी के पास नहीं जाएंगे, आप सब मिलकर तो खुद ही करवाएंगे, तो उस चीज़ के लिए हमें एक इकट्ठा होना परिवार की तरह, संगठन बनाने की बहुत जरूरी है। तो ये छोटी छोटी समस्याएं शायद उन दो व्यापार मंडल पे नहीं हो पा रही थी, नहीं सोल्व हो पा रही थी। यहाँ पर जो चार पहिया वाहन है इन्होंने विरोध किया है कि चार पहिया वाहन बाजार में आना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे भीड़ और जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। नितिन कुमार रुड़की, हब से।